हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोपा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोटुलिका यानी कि मॉस रोज प्लांट केयर के बारे में। मॉस रोज को हम लोग कैसे केयर करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फूल पा सकें। तो फ्रेंड्स, पोटुलिका एक जो है बरसाती फ्लावर प्लांट है। बरसात के सीजन में ये जो बहुत अच्छे से इसका फ्लावरिंग होती है और इसका काफ़ी सारी जो वैराइटीज़ आते हैं। एक जो होते हैं देसी वैराइटीज़ और एक जो होते हैं हाइब्रिड वैराइटीज़ होते हैं और फूल का जो है कलर वैराइटी भी इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। काफ़ी सारे वैराइटी आ जाते हैं। मेरे पास देखिए येलो है और ये जो है देसी वैराइटीज़ है। और देसी वैराइटीज़ खास करके देखने में अच्छे लगते हैं क्योंकि ये जो है बिल्कुल जो है एक जो है रोज़ की तरह है, बिल्कुल गुलाब की तरह देखने में लगते हैं। साइज़ में छोटे होते हैं, देखिए एकदम बिल्कुल गुलाब की तरह लगते हैं, इसलिए तो इसका नाम शायद मॉस रोज है। और जब आप हाइब्रिड का बात करेंगे तो हाइब्रिड क्या होते हैं, हाइब्रिड में ज़्यादातर जो होते हैं इसमें जो है सिंगल पेटल ही मिलते हैं हाइब्रिड पे, और इस पर जो है डबल पेटल नहीं आते। देखिए आप देखिए ये देख सकते हैं, ये है हाइब्रिड और जो है ये है जो है देसी, और देसी में जो है गुच्छों में थोका वाला आता है। तो बात करें अगर इसका केयर के बारे में, तो फ्रेंड्स इस प्लांट को जब आप कटिंग से ग्रो करें चाहे आप नर्सरी से ला के लगाएं, तो जो जिस मिट्टी पे आप लगाएंगे उस मिट्टी पे मेरा ऐसा अनुभव है कि आप जब भी कटिंग से ग्रो करेंगे तो उस मिट्टी में आप बिल्कुल भी खाद का यूज़ ना करें, किसी प्रकार का खाद का यूज़ ना करें। जब आप कटिंग्स लगा देते हैं उसके बाद जो है प्लांट जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तब इस पर जो है आप लिक्विड फर्टिलाइज़र की यूज़ करें। वो जो है वेस्ट होते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र को के लिए बोले तो सबसे बेस्ट होते हैं जो सरसों का खली का जो है मस्टर्ड केक का जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनते हैं वो फर्टिलाइज़र जो है सबसे बेस्ट होते हैं कोई भी फ्लावरिंग वाला प्लांट के लिए। तो ये फर्टिलाइज़र जो है आप 10 दिन में एक बार जो है बहुत ही लाइट करके आप अपना सभी प्लांट पे यूज़ करें, और तो ये फिर भी जो है बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करेंगे। अगर बात कर लेते हैं वाटरिंग का, तो फ्रेंड्स इस प्लांट को जो वाटरिंग बहुत ही सोच समझ के ही करें क्योंकि इस प्लांट पे जो है क्या होता है ज़्यादा ये जो है वाटर पसंद नहीं करते हैं, पानी ज़्यादा पसंद नहीं है। प्लांट के पॉट की मिट्टी आप सोचेंगे बिल्कुल सूख जाए तभी जो है आप वाटरिंग करें, और जैसे आप वाटरिंग कर दिए फिर बहुत जल्दी जल्दी आप वाटरिंग ना करें, नहीं तो जड़ों का गलने का जो है बहुत संभावना होते हैं और बहुत जल्दी जो प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं। और एक बात है फ्रेंड्स, इस प्लांट पे क्या होते इस प्लांट के पत्तियों में ना जो है पानी स्टोर करके जो है ये प्लांट रखते हैं, अपना पत्तियों में जो है पानी स्टोर करके रखते हैं। इसलिए आप अगर कुछ दिन तक इस प्लांट पे पानी ना भी दे, 4-5 रोज़ 6 रोज़ तक भी पानी ना दे तो फिर भी जो है ये प्लांट जो है सूखने वाले नहीं है, ठीक है। ये जो है अपना पत्तियों में जो पानी जो स्टोर करके रखते हैं उस पानी से जो है ये जो है अपना जो है पानी का ज़रूरत को ये पूरा कर लेते हैं। फिर भी अब अगर आप चेक करते हैं मिट्टी को तो बहुत ज़्यादा सूख जाए, एक बिल्कुल सूख जाए मिट्टी, तभी आप जो इस पर वाटरिंग करें। बात कर लेते हैं इस प्लांट के कीड़े मकोड़े के बारे में। तो फ्रेंड्स इस प्लांट में खास कोई कीड़े मकोड़े के अटैक होते नहीं हैं, लेकिन आप जब कोई प्लांट को अगर स्प्रे करते हैं कोई भी पेस्टिसाइड या फंगिसाइड तो इस प्लांट को भी महीने में एक बार बहुत लाइट करके स्प्रे कर दें, या तो घर पे बने हुए नीम के पत्ते को बॉयल कर लीजिए उसके बाद उस पानी से जो है इस प्लांट को स्प्रे कर दीजिए 15 दिन में एक बार चाहे महीने में एक बार, वही जो इसके लिए काफ़ी होते हैं। तो ये तो था मेरा जो है पोटुलिका केयर के बारे में। इस तरह से अगर आप केयर करेंगे खास करके फर्टिलाइजर पे अगर ध्यान देंगे तो आपका मॉस रोज में बहुत अच्छे से जो फ्लावरिंग होंगे और जो है
आप अगर छोटे छोटे आप कटिंग लगा दीजिए, चाहे सीड को भी आप स्टोर करके अगर रखते हैं तो फिर जो है आप सीजन आने पर जो है सीड से भी अपना प्लांट को ग्रो कर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।